दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी के भूगोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका आंसर होगा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। क्षेत्रफल तो 2.4% है भारत का, लेकिन जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की 17% है। वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रामाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? बांग्लादेश की। क्वेश्चन 6वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? आइजोल। अगला देखते हैं, भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात हैं। ये पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, और बांग्लादेश के साथ असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा हैं। हुंडू प्रपात निर्मित है? हुंडू प्रपात स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। अगला देखते हैं, भारत की सर्वोच्च चोटी गाडविन आश्विन है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है? हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगला देखते हैं, हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश है, पर्वतपदी प्रदेश शिवालिक हिमालय है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनेजोइक में हुआ। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए सेनेजोइक महाकल्प में। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा आरोही क्रम में तटीय मैदान सबसे पहले, उसके बाद केंद्रीय उच्च भाग, फिर महान मैदान, उत्तरी पर्वत। फिर से देखते हैं, पहले तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, उत्तरी पर्वत। अगला देखते हैं, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बी वाला सही होगा। छोटा नागपुर पठार एक अग्र गंभीर पठार है, एक अग्र गंभीर है। अगला देखते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का पठार का ही विस्तारित भाग, ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्न में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिकरण के फलस्वरूप हुई, ये गलत है क्योंकि चीनी प्लेट इसमें नहीं, केवल भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? गारो, खासी और जयंतिया, ये सब मेघालय पठार के अंश हैं। भुवन पहाड़ियाँ नहीं, क्योंकि भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित हैं। अगला देखते हैं, इल्मेनाइट जो कि भारत के तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? इल्मेनाइट टाइटेनियम का खनिज है। भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा इसके बारे में देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई मुख्य भूमि से 5,422 किलोमीटर है, और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण तटरेखा अर्थात द्वीपें सहित 7,516 किलोमीटर है। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के पश्चिम घाट कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगची दीवान है। अगला देखते हैं, जवाहर नाह सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के नज़दीक है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में है। अगला देखते हैं, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह महाराष्ट्र का अंग है, विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विंध्याचल श्रेणी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। निम्नलिखित नदियों में कौन
पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती, इसमें नहीं होती। गंगा, गंगावली एवं नर्मदा पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीप नदी प्रणाली की विशेषता है? प्रायद्वीप नदियां केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती हैं, ये सही है। ये नदियां युवावलित पर्वतों से होकर बहती हैं और सभी भी युवावस्था में, ये नहीं सही है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र, ये सही है। पहला और तीसरा सही, ऑप्शन ए में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी को रेगुर भी कहते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त में से एक से अधिक राज्य में पाई जाती है। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? चावल, धान का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किसमें सम्मिलित हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा उद्योग वस्त्र उद्योग का केंद्र है। देखते हैं, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित है? चंडीगढ़ में। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का भाग है। अगला देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, कन्याकुमारी से कार्डेमम पहाड़ियां सटी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बारहवां राज्य, जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्र में बारहवां राज्य बिहार है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा में। क्वेश्चन 49 देखते हैं, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात में सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु में, टोडा जनजाति केरल में नहीं पाई जाती, ये तमिलनाडु में पाई जाती है। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।